कौन हो तुम? देखो तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी का कॉर्निया ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। थैंक यू। अब आलिया फिर से देख सकेगी। सो आलिया, हाउ आर यू फीलिंग? डॉक्टर ठीक हूं मैं, बट साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इरिटेशन हो रही है आईज में। डोंट वरी, वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सर्जरी के बाद थोड़ा वक्त लगता है नॉर्मल होने में। और हाँ, आंखों को टच या रब मत करना, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। डॉक्टर, हम आलिया को कब घर ले जा सकते हैं? वैसे कल शाम आप इसे ले जा सकते हैं, लेकिन जो प्रिकॉशंस और प्रोसीजर्स मैंने बताए हैं उसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। एब्सोल्युटली डॉक्टर, थैंक यू वंस अगेन। ठीक है, थैंक यू। Mom, I'm so happy.
अब तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम खूब सारी मस्ती करेंगे, है ना? हे आलिया, कैसी हो तुम? गाइस, आलिया की आंखें ठीक हो गई, ये एक बार फिर से हम सबको देख सकती है। वाओ, कांग्रेस आलिया। थैंक गॉड आलिया, अब तू बिल्कुल ठीक है। हाँ यार, पूरे एक साल बाद फिर से हमारे ग्रुप में जान वापस आई है। क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहां से। शांत हो जाओ, अभी अभी आलिया। चलो यहां से, चलो बाहर, चलो। डैड। चलो। डैड। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? वो मैं आलिया को देखने आया था सर। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की आंखों की रोशनी चली गई और अब तुम यहाँ आए उसे देखने? शर्म नहीं आई तुम्हें यहाँ आने में? I'm genuinely sorry सर। Sorry? तुम्हें अंदाजा भी है पिछला एक साल आलिया और हम सब ने कैसे गुजारा है? आलिया की जिंदगी बर्बाद करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। डैड रिलैक्स, वो एक एक्सीडेंट था। नहीं निशा, ये सब इसी की वजह से हुआ है। इस अर्जुन की लापरवाही की कीमत हमारी आलिया चुका रही है। गाड़ी ये चला रहा था लेकिन इसे तो कुछ नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? ये हॉस्पिटल है और आलिया को आराम की सख्त जरूरत है। यस प्लीज, आप लोग बाहर जाकर बात कीजिए। सॉरी डॉक्टर, मैं जा रहा हूँ। चलो नीचे। मैंने पूछा कौन? क्यों नहीं? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? Oh!
मेरा बेटा चाहिए। बचाओ! मुझे मेरा बेटा चाहिए। कोई है यहाँ? कोई है? मेरा बेटा कहाँ है? मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। बेटा चाहिए मुझे मेरा। आलिया बेटा, चीयर अप। देखो बेटा, कल रात को तुम्हारे साथ जो हॉस्पिटल में हुआ था वो सिर्फ तुम्हारा वहम था। डॉक्टर्स ने बोला था ना कि हैवी मेडिसिन से कभी कभी ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि हम अजीब चीजें महसूस करने लगते हैं। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी आई साइट वापस आएगी। ये सब आप लोगों के सपोर्ट से हुआ। थैंक यू डैड। अब कोई रोना धोना नहीं, अंदर चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यस, कम। चलो चलो। तुम्हारा सरप्राइज यहाँ है। चलो चलो चलो। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। ये सोच भी नहीं सकते, आंखों की रोशनी छिन जाने के बाद ये एहसास होता है ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। आलिया, आलिया प्लीज मुझे एक मौका दो, प्लीज एक मौका दे दो बात करने का। अब क्यों मुझसे बात करने आए हो अर्जुन? मेरी लाइफ के सबसे मुश्किल समय में जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, कहाँ थे तुम? मुझे लगा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे एक्सीडेंट के बाद तुम मुझसे मिलने तक नहीं आए। आलिया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है अर्जुन। बस आलिया, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद अर्जुन ने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, पर डैड ने उसे तुमसे कभी मिलने ही नहीं दिया। इनफैक्ट मुझसे भी ये प्रॉमिस करवा लिया कि ये बात मैं तुम्हें कभी ना बताऊं। पर अब मैं और नहीं छुपा सकती। तुम्हें पता भी है तुम्हारे आई ट्रांसप्लांट के लिए इसने कितनी भागा दौड़ी की। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, अर्जुन उस गिल्ट से कभी निकल ही नहीं पाया। इनफैक्ट अपने फैमिली कनेक्शन से तुम्हारा आई ट्रांसप्लांट जल्दी करवाया, और ये सब सिर्फ अर्जुन की वजह से हो पाया। क्या ये बात सच है?
प्लीज मुझे माफ कर दो आलिया। निशा दी कहाँ चली गई, वो भी इतनी रात को। निशा दी, निशा दी, निशा दी कहाँ चली गई बिना बताए? सबको उठाऊं? नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ। निशा दी, ये किसकी आवाज है? ये निशा दी किसी मुसीबत में तो नहीं है? निशा दी कहाँ है आप? निशा दी कुछ तो, निशा दी, निशा दीदी, आलिया इतनी रात के सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? अर्जुन, अर्जुन, मैंने वहां किसी औरत को देखा। पर आलिया वहां कोई नहीं है। पर अभी तो थी वहां, एक औरत थी अर्जुन। आलिया वहां कोई नहीं है। अर्जुन, आई थिंक हमें घर के लिए निकलना चाहिए। हाँ गाइस, हमें घर चलना चाहिए। चलो चलो। माँ। अरे आलिया, तुम तो पिकनिक से कल आने वाली थी ना, आज ही आ गई। वो मन नहीं लग रहा था मेरा इसीलिए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, निशा कहाँ है? पापा, निशा गाड़ी में है, सामान ला रही है। माँ, वो बाहर एम्बुलेंस किस लिए? हाँ बेटा, वो मिसेस कुमार की डेड बॉडी मिली है उनके घर पे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 24 घंटे से ज्यादा हुए उनकी डेथ हुए और किसी को पता ही नहीं चला। क्या? पर तुम इस बात को छोड़ो, रात काफी हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये कैसे हो सकता है? वो कल ही तो आई थी मुझसे मिलने, फिर उन्हें 24 घंटे से ज्यादा। अरे कुमार आंटी, आप कैसी हो बेटा? ठीक हूँ मैं, आइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी फिर से आ गई। थैंक यू आंटी। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ। नमस्ते।
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रिलैक्स आलिया, कुछ नहीं हुआ है, चिल। इतनी रात को पियानो कौन बजा रहा है? घर पे तो किसी को नहीं आता। देखो उधर कोई नहीं है। परनिशदी, वहां था कोई। क्या हुआ बेटा, तू इतनी डरी हुई क्यों है? इतना चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ आलिया बेटा? आलिया डैड, मैं सो रही थी तो मैंने आलिया के चीखने की आवाज सुनी। इससे ऐसे लगा जैसे पियानो के पास कोई है। मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज इसे किसी डॉक्टर को दिखाइए। मैं शहर के किसी अच्छे से डॉक्टर का पता लगाता हूँ। अब निशा, इसको इसी कमरे में ले जाओ। हाँ डैड, आजा, आजा। कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? डोंट वरी, ओके, सब ठीक हो जाएगा। अब निशा, मैं यहाँ हूँ, ये अंकल को पता तो नहीं है ना? डोंट वरी अर्जुन, डैड घर पे नहीं है। ये सब तब से हो रहा है जब से मेरी आंखें ट्रांसप्लांट हुई हैं। वो ना हो, इस सब का कनेक्शन मेरी आंखों से है, उस इंसान से है जिसने मुझे ये आंखें डोनेट की। तो फिर हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि तुम्हें ये आंखें डोनेट किसने की, है ना? पता करने की कोशिश की थी डॉक्टर से, थैंक्स बोलना था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये रूल्स के अगेंस्ट है, बताया नहीं। मैं लाऊंगा, मैं उस इंसान की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। पर कैसे? मेरे पास एक प्लान है। चले, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम कार में बैठो, हम दोनों जाते हैं।
मेरा नाम निशा है। डॉक्टर प्रकाश ने मुझे फाइल्स लेने के लिए बुलाया है। आप प्लीज हमें लाकर दे देंगी? थैंक यू सो मच। अर्जुन जल्दी करो। जल्दी करो अर्जुन। हो रहा। अर्जुन नर्स, देखो ये तुम्हारा वहम होगा। हाँ। By the way, हमें उस डोनर की सारी डिटेल्स मिल गई। हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई है? हेलो, कोई है? लगता है यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो यहीं रहती थी? हाँ हाँ, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक नैना यहीं रहती थी और उसी की मौत के बाद तुम्हें उसकी आंखें डोनेट की गई थी। जब यहाँ कोई है ही नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा उसके बारे में? हो सकता है नैना का कमरा ऊपर हो, अब हमें वहां से शायद कुछ पता चल जाए। Thank you.
निशा तुम वहां देखो, आलिया यहाँ देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अर्जुन, निशा दी, ये डायरी देखो, ये नैना की डायरी है। पढ़ो इसमें क्या लिखा है। मैं नैना, मुझ में भी मेरे मॉम डैड की तरह एक खास शक्ति है। मैं भी आत्माओं को देख सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ। मुझसे वो सारी आत्माएं आकर बात करती हैं जो इंसान के मरने के बाद भी यहीं इस दुनिया में भटकती रहती हैं, क्योंकि उनकी कुछ इच्छाएं, कुछ मकसद, कुछ काम अधूरे रह जाते हैं और वो मुझसे वो सब पूरा करवाना चाहती हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिले और वो दूसरी दुनिया में जा सके। शायद इसीलिए मुझे मरे हुए लोग दिखते हैं। कि मुझे नैना की आंखें मिली, हाँ यही वजह होगी। तभी तो जब से मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है तब से मुझे ये सब दिखाई देता है। पर सारी आत्माओं को मुक्ति नहीं चाहिए होती थी, वो ऐसी भयानक आत्मा है जो मुझे रोकती है दूसरी आत्माओं को मुक्ति दिलवाने से। वो चाहती है कि सभी आत्माएं यहीं इस दुनिया में भटकती रहे। कुछ ऐसी ताकतवर आत्माएं मेरे पीछे पड़ गई हैं, शायद मेरी जान को भी खतरा है अब। शायद इसी वजह से नैना की भी अचानक मौत। हाँ, नैना को भी किसी आत्मा ने ही मारा होगा। वही है जो कल रात मुझे पियानो के पास दिखी थी। इसका नाम मेहर है। इसका मतलब मेहर की आत्मा चाहती है कि मैं उसको बताऊं कि उसे किसने मारा। पर मुझे ये कैसे पता चलेगा? मुझे पता चल गया कि इसकी मौत कैसे हुई है। मुझे पता चल गया। आलिया बेटा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है? आलिया बेटा, तू ठीक है ना? हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ये किसका घर है? इस लड़की को पहचानते हैं डैड? बोलिए डैड, इस लड़की को पहचानते हैं आप? क्या बोल रही हो बेटा, कौन है ये? भूल गए डैड, ये वही लड़की है जो आपके गाड़ी के नीचे आके मरी। मैं नहीं पहचानता इसे। झूठ बोलना बंद कीजिए डैड। इस लड़की की आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई है और वो चाहती है कि मैं उसे बताऊं कि उसका कातिल कौन है। और उसका कातिल आप है डैड।
It's you! My dad! कबूल कीजिए डैड कि इस लड़की को आपने मारा है। आलिया बेटा, आलिया बेटा, calm down, please. आलिया बेटा, आलिया सुनो बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। बेटा, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैंने जानबूझ के किसी की जान नहीं ली। तू ही मेरा कातिल है, निशा। निशा। तुमने ही मुझे अपनी गाड़ी से मारा और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। सच बोल वरना तेरी बेटी भी आज मरेगी। नहीं, नहीं, मैंने ही मारा था। ये नहीं, गाड़ी मैं चला रही थी, सारी गलती मेरी है। इन्होंने तो कहा भी कि उसको ऐसे छोड़ के मत जाओ, लेकिन मैंने ही मना किया। मैं उस रात नशे में थी। अरे ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा था तुम्हें नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। कंट्रोल नहीं रहा, उड़ा दिया इसको। चलो अब घर चलते हैं। अरे हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। अरे मरना है क्या? इसकी मदद करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। चलो घर चलो, छोड़ो उसको। मैं डर गई थी कि अगर सबको पता चला कि मैंने शराब के नशे में गाड़ी चलाई है और किसी की जान ले ली तो मेरी लाइफ तो बर्बाद ही हो जाती। इन्होंने तो कहा भी कि हमें उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पर मेरे कहने पर ही हम वहां से चले गए। प्लीज उसे छोड़ दो, चाहो तो मेरी जान ले लो। तुम दोनों के कारण मेरी जान गई है, अब तुम्हारी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तू मेरी प्यारी आलिया है ना? तू कभी किसी से डरना मत। ये भयानक और ताकतवर आत्माएं तुझे अच्छा काम करने से रोकेंगी, पर तू रुकना मत। अपनी इन आंखों की शक्ति से इन भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति दिलाना। मैं जा रही हूँ आलिया, मैं जा रही हूँ। बेटी।